निचला बाजार स्थित एक किराने की दुकान पर चोरी करते हुए खुद दुकान के मालिक ने कर्मचारी को पकड़ा। दुकान मालिक के अनुसार उक्त कर्मचारी टोस्ट के कार्टून में अन्य सामान रखकर बेच दिया करते थे, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए होती थी। वहीं टोस्ट के कार्टून की कीमत मात्र 300 रुपए थी। जब दुकानदार को शक हुआ तो उसने जाँच की तो मालूम हुआ की यह सब काम कर्मचारियों का ही है। वहीं दुकान संचालक का कहना है की कर्मचारी अपनी गलती मान ले तो बस मेरे लिए बहुत ही होगा, मैं उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहता। कोई नहीं किए तो इतनी तुम्हें प्यार से बैठा, कसम से कह रहे हैं हम छोड़ देंगे इतनी प्यार से भी कोई बैठाल तो नहीं, कसम से कह रहे हैं। कंप्लेंट कर दो तुम, पुलिस बुला लो तो अपने आप पूछ लेंगे। कार्टून तो कार्टून में तो वो टोस्ट निकाल के 300 रुपए की कार्टून है, उसमें से टोस्ट निकाल के और उसमें ये बिमल राजश्री के पाउच जमा के 15-20 हज़ार रुपये की पेटी बना के बस 300 रुपये कटवा देता और पेटी ले, इस तरीके से चोरी हो रही है। तो फिर कैसे मिला था तुम्हें वो? पैसे भी दिए उसने तुम्हें? पैसे कैसे नहीं दिए? अभी कह रहे हो तुम पैसे आ गए? रिकॉर्डिंग सुनवाओ वाली। पहले दिए थे तो तुम्हारे पास पैसे तो हैं उसके? पहले दिए, अभी दिए, पैसे तो हैं। माल लेने आया होगा तो मोबाइल नंबर तो है। पैसे कैसे नहीं है? फिर कैसे नहीं दिया? वो तुमसे माल ले गया, तुम्हें पैसे दे गया? दो कर्मचारी दुकान में काम करते हैं, ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि विश्वास नहीं है थे, कर्मचारी करते रहते हैं तो इन्होंने किसी बालक से सेटिंग कर ली होगी। उसमें क्या करते थे, 200-300 रुपए की जो पेटी आती कार्टून टोस्ट का, उसमें के टोस्ट निकाल के बाहर रख के और जो कीमती सामान है अपना 200-200 रुपए 250-250 रुपए वाले आइटम, उसमें करीब 15-20 हज़ार रुपए की पेटी बनाई उसको, उसमें टेप लगाया और उठा के पकड़ा देते 300 रुपए में। 300 रुपए किसी ग्राहक को दे देते? हाँ, ग्राहक को दे देते, जान पहचान का ही कोई सेटिंग कर रखी थी तो उसका ये पता नहीं रहा नाम वगैरह। कैसे पता चला? आज मैंने पकड़ लिया रंगे हाथ, उस लड़के को भी पकड़ लिया था, वो मुझे धक्का दे के काउंटर पे। तो करीबन कब से मतलब कर रहे हो? मुझे तो डाउट ये है कि कम से कम 6 महीने से तो कम से कम ये कर ही रहे हैं। तो आपके पास काम करते करते कितना टाइम हो गया है ना? ये दो साल डेढ़ साल से कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कबूल कर लें और अपनी गलती स्वीकार कर लें, मेरे मन में इनके प्रति है अभी भी।